नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्डिनेस सिलेक्शन कमीशन ने जो 2022 में पेपर कंडक्ट करवाए थे उनका। हम एचपी जीके का एक कंबाइंड वीडियो सॉल्व करेंगे जिसमें हम मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो आंसर रहेंगे ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका आने वाले एग्ज़ाम एचपी सेक्रेटरेट क्लर्क के लिए, जेओआईटी के लिए और जो भी एग्ज़ाम हैं अभी जिनका नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम शेड्यूल का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आनी तहसील जो है, तो आनी जो है कुल्लू में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल की ग्लेशियरों की घाटी कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1804 से और 5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था? तो 24 का है ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रिंसेसली स्टेट भज्जी इन एचपी? तो हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चारू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेज़ों के अधिपत्य में आई? तो 26 का है ऑप्शन नंबर ए, सन 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबा कांसीराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1899 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता किसके रूप में साकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषि जमघाधनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में के रुमाल प्रसिद्ध है? तो चंबा की रुमाल कला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के लौह स्पीति जिले में कत फसल किस वर्ष में प्रारंभ की? तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1925, 1925 में लौह स्पीति जिले में कत फसल का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पपरोला बैजनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल सिंह पटियाल एक INA सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हमीरपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती? तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर, तो सिरमौर से सतलुज नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर शिमला कालका रेलवे वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज? तो किस वर्ष शिमला कालका रेलवे को हेरिटेज घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2008 में। तो ये था एक पहला क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो रेणुका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हिमाचल प्रदेश का संदूर उत्तर पश्चिमी जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिरनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? तो
25 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1818 में। नेक्स्ट है, भागा राशी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दुर्गा सिंह जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की थी? तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीपचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ठाकुर हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130 ए, बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है 130 का वो है ऑप्शन नंबर ए ज्वालाजी टेम्पल। नेक्स्ट है, कांगड़ा के पास चेत्रु में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 131 का ऑप्शन नंबर बी अशोक के टाइम में। नेक्स्ट है, कुथू और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाइयाँ हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केलोंग में। नेक्स्ट है, 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1889 में। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है मेजर मोहिनी से मोहिनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई घटती बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 350 मीटर से 7000 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संधोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रहणु पर शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राणा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नाडा में किसने निर्माण किया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी उमेश सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज, तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो 27 का जो है राइट आंसर हिंडूर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 28 का है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर ए प्रीति सिंह, यहाँ प्रीति सिंह नहीं पृथ्वी सिंह होना चाहिए था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर पट्टाभीता सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किस वर्ष किया था? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। नेक्स्ट है आपका,
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में कौन सा त्यौहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छांगो सेसुल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तनों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में जाना जाता है, तो गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जोड़ ओझा थो ये सभी नाम है इसके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाबा बालकनाथ डिग्री महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चकमो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वीरभद्र सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सराहन में। तो ये तीन क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश क्या प्रथम गवर्नर कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 46 का ऑप्शन नंबर ए मेजर हिम्मत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, खस भी एक नाम दिया गया है, तो खस जो है ये नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी किन्नरों को। नेक्स्ट है, सिकरू देवता हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 48 का है रोडू, रोडू में प्रसिद्ध है सिकरू देवता। नेक्स्ट है आपका 49, नोरा रिचर्ड्स डैश से संबंधित थी, तो ये जो है ये अंद्रेटा से संबंधित है। नेक्स्ट है, होप्स डाइंग कम बेलिंग इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 50th का है ऑप्शन नंबर ए जल जाहलमन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पर्वतीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चंबा में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गगरेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका चौधरी जो कांगड़ा जिले की रहने वाली है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ J&K, तो इसका जो राइट आंसर है साउथ में है, दक्षिण में है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है, लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लामा जो है लामा झील जो है आपकी वो पड़ती है चंबा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चिनाब नदी लाहौल से चंबा जिले में किस स्थान पर घुसती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भुजिद में। नेक्स्ट है आपको 43 नंबर क्वेश्चन, सोला सिंगी एक प्रसिद्ध धार है जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? तो हमीरपुर में पड़ती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर हमीरपुर बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश पोजेशन? तो हमीरपुर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा किस वर्ष बना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1879 में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मंडी रियासत, तो मंडी रियासत जो थी वो थी एक अंग्रेजों की तरफ थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है अब आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिवर रावी इन HP? तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 158 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो, ये जो क्वेश्चन है ये स्क्रैप कर दिया है कमीशन वालों ने, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो सबको ग्रेस मार्क मिला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडवीन घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह में स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 123 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तामसर पास जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा में है तामसर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा एक महत्वपूर्ण जनपद नहीं था? तो 25 का है ऑप्शन नंबर डी, कृतिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किरास ने क्षेत्र पर हमला किया तब चंबा का राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटलेह राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है, ब्राह्मीन, एक ब्राह्मीन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, शिमला में विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1925, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मंडी से प्रजामंडलीय नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है 129 का, ऑप्शन सी, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी में निक्का डैश राज्य का नामी चित्रकार था? तो निक्का जो पेंटर था वो था चंबा का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन से वर्ष बैंक ऑफ बिलासपुर का प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज किस जगह स्थित है? तो 133 का जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सरस्वती नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1994 में हिमाचल प्रदेश में रेल पटरियों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये थी आपकी 223 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर आर्मी हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है 1941, 1941 में सेना मुख्यालय शिमला से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। तो हमने अभी 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे अब हम। यह है, दुलिंग और सोल्डिंग किसके बाएं तट में सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सतलुज। नेक्स्ट है, किन्नर कैलाश जो है हिमाचल प्रदेश की नौ जिले के किन्नर कैलाश की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6500 मीटर। ये जो क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और नोट डाउन कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, झज्जियार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 75 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर में। नेक्स्ट है, चंबा राशि की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेहरू वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कांगड़ा राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोकचंद और हरिचंद दोनों थे। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुलेर प्रिंसली स्टेट? तो गुलेर राशि राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भूप सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्लू राज्य की राजधानी को जगसूख से नग्गर किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिशुद्ध पाल ने। नेक्स्ट है, जनरल जोरावर सिंह का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1841 में। नेक्स्ट है आपका, शिमला के
लिए निगम समिति के स्थान पर नगर निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर रामलाल ठाकुर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1977। नेक्स्ट है आपका, विच फेयर डज नॉट टेक प्लेस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से लिखित में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में नहीं होता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मटन सिद फेयर, ये जो है मीरपुर ज़िले का मेला है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो जगन्नाथ जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नाहन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजिनी कम डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी लोहली भाषा की एक उपबोली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चितकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग कब से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है 1985, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में अल्पवृष्टि होती है? तो ऑप्शन ए अल्पाइन जोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में स्थित है? तो इंदर किला जो है ये कुल्लू ज़िले में है। नेक्स्ट है, थामसर चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी चंबा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बल मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सक्सीडेड भूरी सिंह द राजा ऑफ चंबा इन 1999? तो 1919 में चंबा के राजा भूरी सिंह के बाद कौन राजा बना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 48 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्री श्री। नेक्स्ट है, जसवां वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1170, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी, 48 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राम सिंह। 1919 में चंबा राजा भूरी सिंह के बाद कौन राजा बना? तो राम सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका, जसवां वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये जो है 1170 में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद तुगलक था तो उसके समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है गिरिवर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुटलेहड़ स्टेट? तो कुटलेहड़ का जो लास्ट शासक था वो था ब्रिजमोहन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HHSRC द्वारा किस वर्ष हिमालय प्रांत की अंतिम सरकार का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ट द फेमस टेंपल गौरी शंकर इन चंबा? तो गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण था वो किसने किया था? तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, युगांकर वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विविध कला शैलियों के सम्मेलन से इसे जाना जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का जिला सर्वाधिक औद्योगीकृत है? तो सोलन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर के सिंह, रामकरण सिंह। नेक्स्ट है, 1839 AD में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूपीय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिग्ने। बिग्ने जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्लू नी फेयर्स जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो सोलन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पेपर है आपका, तो फर्स्ट है, द फेमस खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो खीर गंगा जो है, गर्म पानी का सोता जो है, ये कुल्लू ज़िले में है, कुल्लू ज़िले का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांटो वैली जो है यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है बिलासपुर की वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1972 में। नेक्स्ट है, सोरंग लेक जो है ये किस जिले की झील है? तो ये है किन्नौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलाल जो है किसकी सहायक नदी है? तो जलाल जो है 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, यमुना क्या है, यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जसवां महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अनुबंध किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 26 का, ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। नेक्स्ट है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। नेक्स्ट है, नानो किस राज्य का एक प्रसिद्ध वजीर था? तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिप्पा? हिप्पा के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो 29 का है ऑप्शन ए, बी के शर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्य समुदाय के लोग भारत में निम्न में से किसके निर्माण से पूर्व आए थे? तो 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, सुनील दत्त जो है, मंडी के सुनील दत्त गौतम एक मशहूर रहे थे? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है मूर्तिकार। नेक्स्ट है आपका, कौन सी चित्रकला पद्धति के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं कहा जा सकता? तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्तिकार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहाँ पर प्राप्त हुए? तो चरगांव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई? तो ये जो क्वेश्चन है ये स्क्रैप कर दिया है, इसमें सबको ग्रेस मार्क मिला है। नेक्स्ट है, 1615 में कांगड़ा की मुलाकात लेने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, थॉमस क्योट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, फुलेच मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फुलेच जो होता है ये किन्नौर का मेला है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रियासत में डॉक्टर YS परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति हासिल की? तो चंबा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ। नेक्स्ट है, सुमन रावत ने किस वर्ष परशुराम अवार्ड जीता? तो 1987। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिरमौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरनी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो इंदौर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कोल बांध जो है जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी क्या है? तो इसका है NTPC। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुंगती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरमौर में है। नेक्स्ट है, जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तब तो भारत का यह कौन सा राज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18वां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमर सिंह थापा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 54 का ऑप्शन नंबर पंडित जयवंत राम। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र है? तो 68, ऑप्शन बी 68 है। नेक्स्ट है, वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास, तो ब्यास का वैदिक नाम है तो 56 का ऑप्शन नंबर अराजकीय। नेक्स्ट है, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार जो घाटी है वो है सोलन की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है अब आपका, स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? तो 71 का ऑप्शन बी जस्कर। नेक्स्ट है आपका, हैंगरांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किन्नौर की घाटी है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है चिन्ना। नेक्स्ट है, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम से परिचित है? तो पर्यटन दृष्टि से जो है हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सित्ती धार जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू की धार है सित्ती धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलन में जनवरी 1948 में अयोध्या शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुर्ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर YS परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारे से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु तेग बहादुर। 79 का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, शिमला के मॉल की दीवारों को भीति मचल लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजित कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है MC सक्सेना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मचंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनंतचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? तो ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कियांग बैकयांग और वांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये किन्नौर के हैं, ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड बाय HP। तो इसका जो राइट आंसर है 1988 में जो है संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है, सन 1990 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव किरण। जयदेव किरण इसका राइट आंसर रहेगा। और ये जो 82 क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस दिन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था, ये 18 दिसंबर 1970 इसका राइट आंसर रहेगा। और 81 का जो है वो है धर्मचंद, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैंने थोड़ा गलत बता दिया हो तो प्लीज़ आपसे सॉरी मांगता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 81 का धर्मचंद। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था, धर्मचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, व्हेन डिड अचीव फुल स्टेटहुड। तो इसका जो राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाण गंगा हिमाचल प्रदेश की किसकी सहायक नदी है। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलाश जो चोटी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कैलाश जो चोटी है वो है चंबा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर गोरखाओं के नियंत्रण में कब तक रहा। तो बिलासपुर जो था वो रहा था आपका 1809 तक। नेक्स्ट है आपका, 1620 में कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन बना जब इसे मुगल सेना द्वारा जीता गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नवाब अली खान। नेक्स्ट है, सिब्बा राज्य प्रशाखा थी। तो सिब्बा जो प्रशाखा थी वो थी आपकी गुलेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1948 से 1972 तक भागल हिस्सा था। तो 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वो था आपका मासू का। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम निर्वाचित तो होने वाला कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिरंजी लाल वर्मा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिडिंबा मंदिर स्थित है। तो मनाली में है, 29 का है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 30, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रेशम बीज फार्म स्थित है। तो रेशम जो बीज फार्म स्थित है वो है आपका 30 का है ऑप्शन नंबर डी, डड्डा सिवा में। नेक्स्ट है आपका 31, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पंडित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला में है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर YS परमार उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MR ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है। तो वड़ोग इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, चकली जो है किस रियासत का सिक्का था। तो चंबा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, तो ये है आपका हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः डैश जिले में आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चंबा में आती है पीर पंजाल।
नेक्स्ट जो है ढाका ग्लेशियर जो है डैस में स्थित है, तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है, तो सबको ग्रेस मार्क मिला है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, डलहौजी में है कमला नेहरू पार्क। नेक्स्ट है नाको जो है वो झील जो है स्थित है, नाको झील जो है 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हांगरांग घाटी में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है, तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए चंद्रभागा में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का दूसरे क्रमांक का प्राचीन राजसी राज्य कौन था, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कुल्टा कुल्लू। नेक्स्ट है 1191 और 1193 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था तब चंबा के शासक कौन थे, तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विजय वर्मन। नेक्स्ट है टोलमी यूनानी इतिहासकार ने त्रिगत को डैश कहा था, तो 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कालिंदरीन कहा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने कौन से वर्ष में मंडी राजसी राज्य का दौरा किया था, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर सी गिरिसेन ने की थी। नेक्स्ट है ऊपरी किन्नौर में नववर्ष त्यौहार को डैस कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हिमाचल प्रदेश में डैस की स्तुति के लिए सिप्पी मेला आयोजित किया जाता है, तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड शिवा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका हिमाचल मंडी जिले का मागरू महादेव मंदिर कौन सी जगह स्थित है, तो 33 का जो राइट आंसर है वो स्क्रैप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1823 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती आरंभ किसने की थी, तो 34 का है ऑप्शन नंबर सी मेजर कैनेडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हीलिंग जो है हिमाचल प्रदेश में डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हैंग ग्लाइडिंग के लिए है। तो ये थे HPGK के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आप फर्स्ट है कुमारी कमलेश जो है किस खेल से क्षेत्र में परशुराम पुरस्कार प्राप्त किया था, तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथलीट्स में। नेक्स्ट है गुरु नानक देव ने ध्यान के लिए हिमाचल प्रदेश को किस स्थान की यात्रा की थी, तो 22 का है मणिकरण। नेक्स्ट है बैनाथ का पुराना नाम क्या है, तो कीरग्राम इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भूतनाथ मंदिर मंडी के किस जिले राज्य द्वारा बनाया गया था, तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अजवर सेन द्वारा। नेक्स्ट है फाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है रामपुर में मनाया जाता है फाग मेला। नेक्स्ट है भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो भुंडा जो त्यौहार है वो निरमंड में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किकली हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है, तो 27 का है ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HPU विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो रामकरण सिंह आर के सिंह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, तिब्बती में रोहतांग का अर्थ है, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है लासों का ढेर। नेक्स्ट है पंचपुला दर्शनीय स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के किस सब डिवीज़न में आता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डलहौजी में।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के घानवी टू पनबिजली परियोजना की कार्यकारिणी जो एजेंसी है वो कौन सी है। तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, HPSCB। नेक्स्ट है करेरी झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो करेरी जो है वो आपकी पड़ती है कांगड़ा जिले में। तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो कांगड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है 33 का वो रहेगा आपका सी ऑप्शन, पुषाण। नेक्स्ट है बिलासपुर शहर की स्थापना इन्होंने की थी। तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी दीपचंद ने। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की संधि संसार चंद दो और डैश के मध्य हुई थी। तो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, 42 से स्टार्ट है। कौन सा जिला सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता। तो 42 का है ऑप्शन बी सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है लामा डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का सोता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, ऊना में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथपा स्थान की हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है किन्नौर में है नाथपा झाकड़ी परियोजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश सॉरी सन 1806 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध के दौरान संसार चंद का सेनापति कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1621 में नाहन के किले और शहर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन डी करम प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1952 में लोकसभा चुनाव में कांगड़ा सीट का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हेमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला चंबा के छतरारी में शक्ति देवी मंदिर किसने बनवाया था। तो ये जो बनवाया था ये बनवाया था मेरू वर्मन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला गेटी थिएटर का वास्तुकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा घाटी में किस वर्ष चाय बागान शुरू किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए 1850 में। नेक्स्ट है आपका, द बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मेड प्लेस विच प्लेस। तो हिमाचल के किन्नौर जिले में किस गाँव में उत्तम गुणवत्ता की ब्रांडी बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए नैसिंग, नैसिंग जो गांव है वहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 53, इन विच ईयर HP यूनिवर्सिटी शिमला वाज सेटअप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका, नेशनल जो है बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है पालमपुर में है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। तो 3 हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आप कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में टोंस किस नदी की सहायक नदी है।
तो टोंस जो है वो है यमुना की सहायक नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डैम स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, सतलुज के पूर्वी किनारे और सतलुज के पश्चिमी किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी किन्नौर जिले की घाटी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण डैश के समय चंबा राज्य सी राज्य की सेवा में था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्री सिंह के समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1585 ईस्वी में कांगड़ा के राजा बीधी चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक के रूप में रखा, तो ऑप्शन नंबर बी त्रिलोक चंद इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 1667 ईस्वी के आसपास थियोग की स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो जयचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयं सेवक नहीं थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सरला शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 में शिमला में हुए शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन में कहाँ शासक उपस्थित नहीं हुए, तो मंडी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पद्म सिंह की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो कंफर्म नहीं है, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया है कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में धामूशा मेला लगता है, तो धामूशा जो मेला है वो कांगड़ा में लगता है। नेक्स्ट है, आर्मी हेरिटेज म्यूजिक हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूरोपियन कंपनी इंट्रोड्यूस टी इन कांगड़ा वैली, तो कौन सी यूरोपीय कंपनी ने कांगड़ा घाटी में चाय लगाई, तो निशान टी कंपनी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर HRTC स्टार्टेड इट्स ओन कुरियर सर्विस, तो HRTC ने कब अपनी निजी कुरियर सेवा प्रारंभ की, तो ऑप्शन ए 2000 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड के तौर पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, महान क्रांतिकारी श्री यशपाल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है हमीरपुर। नेक्स्ट है, सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सुमन रावत इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहलूरी जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध जिले की बोली है, तो ये बिलासपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ चंबा, चंबा का संस्थापक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेरू वर्मन। नेक्स्ट है, देवोत्सिद मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेरा गोपीपुर से कौन पहाड़ी गांधी कहलाया, तो बाबा काशीराम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डोडरा कवार क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है, तो ये शिमला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने चढ़ाया, तो अकबर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल पुस्तक किसने लिखी, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है WG आर्चर। नेक्स्ट है, हिब्रा जो परियोजना है उसकी जो वो कहाँ पर स्थित है, तो हिब्रा जो परियोजना है वो चंबा जिले की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 द कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कौन सी सबसे लंबी सुरंग है, तो बड़ोग इसका राइट आंसर रहेगा। 31 का जो राइट आंसर है वो है बड़ो।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 32। 32 का जो राइट आंसर रहेगा, IEC यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो IEC जो है वो कालू झंडा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, जुब्बल हट्टी विमान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HRTC केम इन टू एग्जिस्ट इन विच ईयर, तो HRTC जो है 1974 में बनी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और 35 जो क्वेश्चन है वो है आपका, मगाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो 35 का है ऑप्शन नंबर ए दुर्ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो सांगला जो वैली है वो है आपकी 36 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर में। नेक्स्ट है आपका, बड़ा सिगड़ी जो हिमाचल प्रदेश का किस जिले में स्थित है, तो बड़ा सिगड़ी जो है वो पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में, ऑप्शन ए। 38 का जो राइट आंसर रहेगा, रावी नदी का संस्कृत नाम रावी का जो है पुषाणी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रेणुका जो है वो सिरमौर जिले की प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुले राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी, तो गुलेर की स्थापना की थी हरिचंद ने। और ये जो HPG के है, ये स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर क्लर्क के पेपर में इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 तक रहेंगे, आप चाहे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लेना, उनमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं HPGK के, तो क्लरिकल के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आ सकते हैं HPGK के, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश में जो है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नौणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब उच्च न्यायालय इस चंडीगढ़ स्थानांतरित करने एवं शिमला में किस स्थान पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए पीटर हॉफ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986 वाज अवार्डेड, तो ऑप्शन नंबर ए श्री केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित किया गया, तो ये जो है ये मंडी ज़िले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नलवाड़ी जो मेला है वो एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है, और ये कहाँ का है, ये बिलासपुर का है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, डुंगरी जो देवी मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो है मनाली में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रोंगटोंग जो परियोजना है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम का उत्पादक है, तो कांगड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सिरमौर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजूरी रूपी जो है इज़ ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो बिजूरी रूपी जो है कुल्लू का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1947 में हिमाचल प्रदेश को किस रियासत ने परम भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा आपका 53 का जो राइट आंसर रहेगा, ठीक वो रहेगा बिलासपुर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए मेजर कैनेडी, नेक्स्ट है रावी नदी का वैदिक नाम, रावी का है पुषाणी, नेक्स्ट है कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सोलन इसका राइट आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा कुमार ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबा जिले के सिंधु क्षेत्रों में चिपको आंदोलन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति सुप्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी कुलभूषण अभिमन्यु, नेक्स्ट है आपका गायत्री टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो गायत्री टेम्पल जो है वो पड़ता है आपका 123 का है, ऑप्शन नंबर डी रेणुका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो 24 का है, ऑप्शन नंबर ए कुफरी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, खरैत हिमाचल प्रदेश किस जिले का लोक नृत्य है? तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी कुल्लू का। नेक्स्ट है रोचक आर्ट गैलरी जो है वो किस स्थान पर है? वो नगर में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के धौला सीधा जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी संस्था कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 27 का वो रहेगा SJVNL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ज्योरी में भी है, सरोल में भी है, ताल में भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कुनिहार प्रजामंडल किस वर्ष संगठित हुआ? तो 1939 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मंडी संयंत्र किस वर्ष हुआ? तो 1914-15 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, रामगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो रामगढ़ किला जो है नालागढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर रूलर टू प्लान टू कंक्वेस्ट ऑफ कांगड़ा? तो वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना बनाई? तो वो था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 33 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यमुना में, यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, नाइनटीन नाइन्टी वन में तीरंदाजी के क्षेत्र में किसने परशुराम पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सकल जंग दोराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण निम्न में से किसी क्रांतिकारी को 6 वर्ष 1928 से 1934 के लिए कारावास हुआ था? तो 22 का है, ऑप्शन बी JP भागी को। नेक्स्ट है, सलूनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सोलन में है, 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 है, हालदा जो फेस्टिवल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी लाहौल स्पीति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25,
करती जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, तो कुल्लू का है करती। नेक्स्ट है राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो राज्य संग्रहालय जो है वो है शिमला में। नेक्स्ट है लाजो जो है वो किसकी बुक है, तो लाजो जो है शांता कुमार की बुक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में बायसिरिगल लॉज के नाम से जाना जाता है, तो 28 का जो राइट आंसर रहेगा 28 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। नेक्स्ट है किसान टू जो पनविद्युत जल बिजली है परियोजना है, वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाई गई है, तो 29 का जो राइट आंसर रहेगा 29 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज पे। नेक्स्ट है आपका 30, टुंडा वन्य जीवन अभयारण्य जो है वो किस जिले में है, तो ये चंबा में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मार्च 1950 और फरवरी 1952 के मध्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर वो है भगवान शाही। नेक्स्ट है 32, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का जो पुराना नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर धमेरी। हिंडूर जो है वो किसका, हिंडूर जो है नालागढ़ का नाम है हिंडूर, और सुंदरनगर का है बनेड़, और किंग्राम जो है किरग्राम वो बैनाथ का है। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर, तो लॉर्ड मेयो ने जो है शिमला की यात्रा की थी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया, तो ये किया गया था चौधरी सरवण कुमार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रोचक आर्ट गैलरी HP के किस स्थान पर है, तो नग्गर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोरक फूफी शादी HP के किस जिले की जनजातियों में प्रचलित है, तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी कांगड़ा और चंबा। झारफूक की जो मैरिज शादी का जो है मैरिज जनजातियों में प्रचलित है वो है चंबा और कांगड़ा की। नेक्स्ट है किस वायसराय ने नालदेहरा के नाम पर अपनी पुत्री का नाम रखा, तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा 24 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, वी कौन से संत HP के मंडी जिले के रिवाज से संबंधित है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए ऋषि लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिंडल देवी मंदिर HP के किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो है देवी कोठी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डल मेला HP के किस स्थान पर मनाया जाता है, तो डल जो मेला है वो धर्मशाला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है, तो रास जो है ये सिरमौर का नृत्य है। नेक्स्ट है आपका HRTC केम इन टू एग्जिस्ट, तो 1974 में ये एग्जिस्ट की आई थी। नेक्स्ट है आपका सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में है, तो सिरमौर का है। नेक्स्ट है आपका HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जस्टिस HS ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फाउंडर ऑफ कुनिहार डोमेन। तो कुनिहार राशि राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अबोस दे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है आपका, मंडी राज्य किस राशि राज्य की शाखा थी? तो ये थी सुकेत की। नेक्स्ट है आपका किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को ही बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंद्रहार दर्रा है कांगड़ा जिले को एचपी के किस स्थान से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 35 का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की चंदर और भागा घाटी में मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार तो ये है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के डैस में स्थित है? तो है पीटर हॉप में। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए थे? जो चित्रू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसने प्राप्त किया? तो 24 का है ऑप्शन नंबर ए केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर में छोटा काशी के नाम से जाना जाता है? तो मंडी को छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुकंदर और केसर का उत्पादन होता है? तो 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है टोटल हाइड्रल पोटेंशियल ऑफ सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना की जो कितनी क्षमता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 111 मेगावाट। नेक्स्ट है 28, इन विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट हर्बल गार्डन इज लोकेटेड? तो हर्बल गार्डन जो है शिमला जिले के किस जगह में है? तो डुमरेड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में अपनी आकृति के दूरतम स्थान पर परमाणु चिन्हित करने के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया था? तो ये जो नदी थी ये थी आपकी व्यास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 30th क्वेश्चन, शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कन्वेंस पर से गोरखाओं के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन संकेत कौन सी संधि ने दिया था? तो 30th का है आपका ऑप्शन नंबर ए संगोली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14वीं शताब्दी में कौन से मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले को घेरा डाला था? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वान वैली जो है वो किस जिले में है? वो है ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना पानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपका, कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? तो कसोल जो गर्म पानी का स्रोत है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो है कुल्लू में है। नेक्स्ट है इंद्रहार जो दर्रा है वो कांगड़ा जिले को कौन सी जगह से जोड़ता है? तो 35 का है भरमौर। लास्ट क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट घाटसरू झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो घाटसरू जो है चंबा जिले की झील है। नेक्स्ट है गसोत्ता जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये हमीरपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की शायक नदी है? तो बिनवा जो है ये जो है बिनवा नदी जो है वो आपकी है ब्यास की शायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में है भावा घाटी।
नेक्स्ट है आपका इंदर किला पर्वत चोटी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंदर किला जो है ये है कुल्लू जिले की चोटी। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP, तो ये है NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन HP, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वो है 68, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल में कुल्लू राशि के प्रसिद्धि के बारे में विस्तार से लिखा है? तो 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेनसांग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का जो पुराना नाम है वो है 80 का है, ऑप्शन नंबर बी धमेरी। नेक्स्ट है 81 सुकेत राशि राज्य के स्थापक, तो वीर सेन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान मंडी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी वो हुई थी 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है आपका बेरा सियूल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्टेड इन विच रिवर? तो बेरा सियूल पनविद्युत बिजली परियोजना है वो किस नदी पर बनी थी? वो रावी नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ये त्रिलोकीनाथ जो है ये है आपका लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन नंबर सी। 85 का है आपका HP यूनिवर्सिटी जो है कब एस्टेब्लिश की गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 1970 में। नेक्स्ट है आपका कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बरोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुफरी ज्योति जो है ये किसकी किस्म है? तो ये जो है आलू की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है किन्नर देश बुक वाज रिटन बाई? तो राहुल सत्यांकन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूरी सिंह संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा में है। नेक्स्ट है सुत्तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो सुन्तो जो है ये जो है आपका वो है लाहौल स्पीति का लोक नृत्य। तो ये थे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए HP GK के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद हम जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जो भी 2022 में क्वेश्चन पेपर जो है HPSSC के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।